बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एडिशन ऑफ डेसिमल्स, यानी डेसिमल नंबर्स को जमा किस तरह से किया जाता है। इसके लिए हमें एक एग्जांपल गिवन है। ऐड द फॉलोइंग 432 प्लस 68, इन वैल्यूज़ को हमें ऐड करना है। अब आप देख रहे हैं कि ये डेसिमल नंबर्स नहीं हैं, ये तो होल नंबर्स हैं। होल नंबर्स को ऐड करने का तरीका हम पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं, तो पहले हम देख लेते हैं कि हम होल नंबर्स की एडिशन में किन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। जब हम दो वैल्यूज़ को ऐड कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम उन्हें वर्टिकल फॉर्म में लिखते हैं। वर्टिकल फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि 432 को ऊपर लिखा है और 68 को उसके नीचे लिख दिया गया है, और ये फॉर्म कहलाती है वर्टिकल फॉर्म। वर्टिकल फॉर्म में लिखते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाता है कि एक ही प्लेस वैल्यू रखने वाले डिजिट्स एक ही कॉलम में मौजूद हों। जैसे 2 और 8 वंस हैं तो दोनों एक ही कॉलम में हैं, इसी तरह से 3 और 6 टेंस हैं तो ये दोनों एक ही कॉलम में हैं। इसके बाद हम ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए हम राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं, यानी जमा के लिए हम पहले सीधे हाथ वाले नंबर्स को जमा किया जाता है और उसके बाद उल्टे हाथ वाले नंबर्स को। तो पहले 2 और 8 को प्लस किया जाएगा। 2 प्लस 8 इक्वल्स टू 10। 10 का 0 1 कैरी। 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4। 4 प्लस 6 इक्वल्स टू 10। 10 का 0 1 कैरी। 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5, और हमारे पास आंसर आ जाता है 500। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं डेसिमल नंबर्स को जमा करने की। क्वेश्चन नंबर 1 है 22.32 प्लस 6.46। इन दोनों वैल्यूज़ को भी ऐड करते वक्त पहले हम इन्हें वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे, यानी ऊपर लिखा है हमने 22.32 को और नीचे लिखा है 6.46 को। वर्टिकल फॉर्म में लिखते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि इनके डेसिमल अलाइन हो, डेसिमल पॉइंट अलाइन हो। जैसे दोनों वैल्यूज़ के डेसिमल्स बिल्कुल एक लाइन में आ रहे हैं। 22.32 का डेसिमल ऊपर है और बिल्कुल एग्जैक्ट उस डेसिमल पॉइंट के नीचे ही 6.46 का डेसिमल है। जब हम डेसिमल पॉइंट्स को अलाइन कर लेते हैं तो हमारे जितने भी डिजिट्स हैं डेसिमल नंबर्स के, वो अपने प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाते हैं। जब हम इन्हें ऐड करते हैं तो होल नंबर्स की तरह सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ ऐड करते हैं, यानी 2 को और 6 को पहले ऐड किया जाएगा। 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 8। 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 7। 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 8। 2 प्लस 0 इक्वल्स टू 2। हमारे पास आंसर आ गया है 2878। इज़ दिस अ करेक्ट आंसर? नहीं, ये करेक्ट आंसर नहीं है। जब हमने डेसिमल नंबर्स को ऐड किया है तो हमारा आंसर भी एक डेसिमल नंबर है, लेकिन आंसर में डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं है। आंसर में डेसिमल पॉइंट हम कहाँ लगाएंगे? आंसर में डेसिमल पॉइंट एग्जैक्ट उसी जगह लगाया जाएगा जहाँ पर हमारे सवाल का डेसिमल नंबर है, बिल्कुल अलाइन, यानी उसी के नीचे। इस लिहाज से हमारे पास डेसिमल पॉइंट होना चाहिए 28 के बाद, और हमारा आंसर होना चाहिए 28.78। देखिए, हमारे पास आंसर आ गया है 28.78, और इसमें डेसिमल की जगह भी एग्जैक्ट वही है जो हमारे सवालात में डेसिमल की जगह थी। अब हमारे उन स्टेप्स का इल्म हो गया है जो हमें डेसिमल नंबर्स को ऐड करते हुए फॉलो करने हैं, और वो स्टेप्स क्या हैं? स्टेप 1, राइट द डेसिमल नंबर्स अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यूज़। सबसे पहले डेसिमल नंबर्स को उनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखना होगा वर्टिकल फॉर्म में। स्टेप 2, पुट 0 इफ़ नेसेसरी टू कम्प्लीट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल नंबर्स में जब हम डेसिमल पॉइंट को अलाइन करते हुए वैल्यूज़ लिखते हैं तो कुछ डिजिट्स अलाइन नहीं होते, तो जो जगह हमारे पास ब्लैंक रह जाएंगी वहाँ पर हम 0 ऐड करेंगे। स्टेप 3, ऐड द डेसिमल नंबर्स जस्ट लाइक एडिशन ऑफ होल नंबर्स। उसके बाद हमें जैसे होल नंबर्स को हम ऐड करते हैं बिल्कुल वैसे ही डेसिमल नंबर्स को भी ऐड करना होगा। अब इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम मज़ीद एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 4.567 प्लस 36.4। इन दोनों वैल्यूज़ को हम वर्टिकल फॉर्म में लिखते हैं। वर्टिकल फॉर्म में लिखते वक्त हमें जिस बात का ख्याल रखना है वो ये है कि इनके डेसिमल पॉइंट अलाइन हो, यानी एक डेसिमल पॉइंट के नीचे ही दूसरा डेसिमल पॉइंट मौजूद हो, और हमने उसके अकॉर्डिंग अलाइन कर भी लिया है। लेकिन डेसिमल पॉइंट को अलाइन करने से क्या हुआ कि हमारे डिजिट्स अलाइन नहीं हैं। 6 और 7 के नीचे की जगह खाली है, इसी तरह से 3 के ऊपर की जगह खाली है,
और हमारा स्टेप टू यही था कि जब हम डेसिमल पॉइंट को अलाइन करते हैं तो डिजिट्स अलाइन नहीं होते, ऐसी सूरत में हम उन ब्लैंक जगहों पर क्या चीज़ ऐड करते हैं, ज़ीरो ऐड करते हैं। तो अब हमारे सवाल की शक्ल कुछ यूँ हो जाएगी, 04.567 प्लस 36.400, जो जगह हमारे पास ब्लैंक थी यानी ये और ये, 6 और 7 के नीचे और 3 के ऊपर, इन जगहों पर हमने ज़ीरो ऐड कर दिया है। अब हम इन्हें प्लस करेंगे, प्लस करते हैं तो 7 प्लस 0 इक्वल्स टू 7, 6 प्लस 0 इक्वल्स टू 6, 5 प्लस 4 इक्वल्स टू 9, 4 प्लस 6 इक्वल्स टू 10, 1 कैरी, 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4, 40967। अब इसमें डेसिमल की जगह कौन सी होगी, डेसिमल पॉइंट कहाँ लगेगा? तो अगर हम ऊपर देखें तो दो दो डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट था, बिल्कुल अलाइन वहीं पे हमें इसमें भी डेसिमल पॉइंट लगाना है, यानी डेसिमल पॉइंट हमारा 40 के बाद आना चाहिए। तो इट मींस आवर आंसर शुड बी 40.967। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 75.05 प्लस 24.62, इन दोनों को सबसे पहले हमने वर्टिकल फॉर्म में लिखा इस तरह कि इनके डेसिमल पॉइंट अलाइन हो, एक डेसिमल के नीचे दूसरा डेसिमल पॉइंट मौजूद हो। अब डेसिमल को अलाइन करते हुए यहाँ पर हमारे डिजिट्स जो हैं उनमें कोई भी गड़बड़ नहीं हुई, वो भी ऑटोमेटिकली अलाइंड हैं, हर डिजिट के नीचे दूसरा डिजिट मौजूद है। 5 प्लस 2 इक्वल्स टू 7, 0 प्लस 6 इक्वल्स टू 6, 5 प्लस 4 इक्वल्स टू 9 एंड 7 प्लस 2 इक्वल्स टू 9। तो आंसर आ रहा है 9967, लेकिन डेसिमल पॉइंट अभी भी मिसिंग है, डेसिमल पॉइंट की जगह कौन सी होगी, 99 के बाद, और आंसर होगा 99.67। दिस इज आवर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 257.003 प्लस 0.25, इन दोनों नंबर्स को हमें ऐड करना है, तो सबसे पहले इन्हें वर्टिकल फॉर्म में लिखते हैं। जब हम इन्हें वर्टिकल फॉर्म में लिखते हैं तो फिर हमें सबसे पहले जिस बात का ख्याल रखना है वो है कि डेसिमल पॉइंट अलाइन हो। डेसिमल पॉइंट अलाइन है, बिल्कुल एक कॉलम में आ रहे हैं डेसिमल पॉइंट हमारे, लेकिन डिजिट्स अलाइन नहीं हैं। 3 के नीचे हमारे पास ब्लैंक स्पेस है, 2 और 5 के नीचे भी हमारे पास ब्लैंक स्पेस है, तो इन तीनों डिजिट्स के नीचे जो खाली जगह हैं वहाँ पर हम क्या ऐड कर देंगे, ज़ीरो। ज़ीरो ऐड करने के बाद हम इन्हें प्लस करेंगे, प्लस करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 3 प्लस 0 इक्वल्स टू 3, 0 प्लस 5 इक्वल्स टू 5, 0 प्लस 2 इक्वल्स टू 2, 7 प्लस 0 इक्वल्स टू 7, 5 प्लस 0 इक्वल्स टू 5 एंड 2 प्लस 0 इक्वल्स टू 2, 257253। इसमें डेसिमल पॉइंट की जगह क्या होगी, 257.253, बिल्कुल डेसिमल अलाइन करने के लिए 257.253, एंड दिस इज आवर आंसर। आई होप कि आपको डेसिमल नंबर्स को ऐड करना बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, और अब आप मज़ीद डेसिमल नंबर्स भी आसानी से ऐड कर सकते हैं। थैंक यू।